हेलो फ्रेंड, आई एम ईशान। वेलकम बैक टू 360 ज्ञान स्टूडेंट। मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आपका रुक जाना नहीं योजना का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं क्लास का फाइनली रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होने वाला है, रिजल्ट को आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अगर आप रुक जाना नहीं योजना में फेल हो जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा, इस संबंध में सारी कुछ कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आपका फाइनली रुक जाना नहीं योजना का कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट आपके कक्षा 10वीं के एग्जाम रुक जाना नहीं योजना के कंप्लीट हो गए, वहीं आपके कक्षा 12वीं के एग्जाम अभी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेट है वह रुक जाना नहीं योजना के रिजल्ट का। स्टूडेंट को लगातार कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे थे, तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है। तो स्टूडेंट देखिए, स्टार्टिंग में जब आपके रुक जाना नहीं योजना के आवेदन डल रहे थे उसी समय यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें क्लियर कहा गया था कि आपका जो रुक जाना नहीं योजना का कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट है आपका 28 जुलाई को जारी किया जाएगा। तो स्टूडेंट आपको 28 जुलाई तक वेट करना होगा, 28 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, 28 जुलाई को ही आपका 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड बड़ा सवाल आता है कि अगर आप मान लीजिए रुक जाना नहीं योजना में फेल हो जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी आप का जो एग्जाम हुआ है रुक जाना नहीं योजना का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ है। रुक जाना योजना में आपको 2 चांस मिलते हैं, तो इसका जो सेकंड चांस का एग्जाम रहेगा स्टूडेंट भाई आपका दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, दिसंबर में होगा। इसके लिए आवेदन भी जैसे ही अभी देखिए, हो सकता है कि आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा डिक्लेयर होगा उसके बाद इसके लिए भी आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ओनली जिस सब्जेक्ट में वह फेल हुए हैं उसका सेकंड जो अटैम्प्ट होता है उसमें एग्जाम देके वे पास हो सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर तीसरा बड़ा सवाल आता है कि आपको रुक जाना नहीं योजना का रिजल्ट किस तरीके से चेक करना है। तो आपको देखिए, सिंपली अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से MPSOS सर्च करेंगे। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे ऊपर जो सबसे ऊपर आपको वेबसाइट शो होगी यहाँ पर, उसको आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रिजल्ट माइग्रेशन, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आपका 2021 का रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है। जैसे ही आपका रुक जाना नहीं योजना का 2022 का रिजल्ट आएगा यहाँ पर सबसे ऊपर उसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो रोल नंबर है रुक जाना नहीं योजना का उसकी मदद से आप अपना 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है आसानी से चेक कर पाएंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारी कुछ जानकारी प्रोवाइड करा दी, अगर आपके उनमें कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।